नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप देख रहे हैं टेली फिल्म। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। हेलो हाय, मैं हूं आपकी अपनी प्यारी जोया खान और आप देख रहे हैं टेली फिल्म। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपना प्यार दें। जी, सबसे पहले तो देखने वाले सारे अपने स्वतःगढ़ को, अपने ऑडियंस को दिल से जोया का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मानती हूँ कि COVID-19 चल रहा है, लेकिन उम्मीद करना हमारा फ़र्ज है। और मैं दुआ भी करती हूँ कि हमारे सारे ऑडियंस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें व्यस्त रहें। जी, अभी आप पहुंच चुके हैं मुंबई मड में। ये सेकेंड शेड्यूल जानलेवू काका लगा। फर्स्ट शेड्यूल लगा था हमारा लखनऊ में था, 20 दिन का शेड्यूल था। काफ़ी मजे किए, काफ़ी मतलब 20 जनवरी से काफ़ी ठंडी थी, बहुत मज़ा आता था, बहुत सारे फॉग गिरते थे बहुत मज़ा आता था। और दिनेश जी के साथ मेरी फर्स्ट मूवी है, अक्षरा दी के साथ भी मेरी फर्स्ट मूवी है। सो और इसके प्रोड्यूसर हैं श्रेय श्रीवास्तव जी, और डायरेक्टर सर हैं दिनकर कपूर जी, और DOP सर हैं मनोज कुमार सर, और कोरियोग्राफर हैं संजय कोरबे जी। सो काफ़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी मज़ेदार फिल्म है, काफ़ी फैमिली ड्रामा है, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इस फिल्म के थ्रू आप सभी लोगों को। सो मानते हैं कि आज के टाइम में सारे कॉन्सेप्ट, सारे राइटर लोग अच्छी से अच्छी कोशिश कर रहे हैं अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने की। उन्हीं में से एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जानलेवू का। सो जब भी रिलीज़ हो आप लोग ज़रूर जाके देखना कि आपकी जोया, मैंने क्या किया है, अक्षरा दी ने क्या किया है। दिनेश सर के आप सभी लोग फॉलोअर्स हैं, उनके डांस के दीवाने, उनके एक्टिंग के दीवाने, उनके डायलॉग डिलीवरी के दीवाने। सो आप लोग भी जाके ज़रूर देखिएगा। जितने भी आप लोग आते हैं, हमारे मीडिया लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यूनिक यूनिक क्वेश्चन करते हैं, तो उलझा देते हैं हमें, मज़ा आता है, मज़ेदार होते हैं। तो ये हमारी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए मतलब कि ये जानलेवू का मतलब पूरा नहीं बता सकते कुछ चीज़ें सस्पेंस रखी गई हैं। सो काफ़ी यूनिक टाइटल है। और मैं जब फर्स्ट टाइम मुझे प्रोड्यूसर सर, मैं गई थी इसके मुहूर्त में, तो प्रोड्यूसर सर जब मुझे कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था ये जानलेवू का कॉन्सेप्ट कैसे। अक्षरा दी थी, दिनेश जी थे, मिले हम लोग, बात उत किए अच्छे से, कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा हुआ। सो कहानी सुन के लगा कि ओ तो ये है जानलेवू का। सो आप लोग को देख के बहुत ही मज़ा आएगा। और जितना प्यारा टाइटल है उतनी ही प्यारी कॉन्सेप्ट है, उतनी प्यारी कहानी है, बहुत सरल तरीकों से आप लोगों के सामने रखी गई है, और स्क्रीन पे आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस फिल्म के एक्टर हैं मेन एक्टर दिनेश लाल यादव जी, और इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं अक्षरा दी, अक्षरा सिंह जी, जिनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, आप लोग उनको बहुत मानते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप लोग प्यार करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहें, क्योंकि अक्षरा दी एक पूरी लड़कियों के लिए, पूरी यूपी बिहार की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनको देख के, उनकी बातों को देख के, उनकी एक्टिंग को देख के, उनकी चीज़ों को देख के, मतलब जो जुनून मिलती है, जो हिम्मत मिलती है, वो मैं शेयर नहीं कर सकती। क्योंकि मैं सेट पे बहुत सारी चीज़ों में मतलब उलझ जाती थी, ऐसा लो पड़ जाती थी, लेकिन अक्षरा दी मुझे मोटिवेट करती थी कि नहीं बेटा, आई हो तो काम करो, आई हो तो काम करो, नहीं तो चले जाओ, ऐसे झुक के नहीं रहना। तो बहुत सारी चीज़ें हिम्मत मिलती है, और बहुत उनके काम को देख के, उनके डायलॉग डिलीवरी को देख के, उनके स्क्रीन प्ले को देख के बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैंने खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। सो अक्षरा दी माय फेवरेट, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी हैं। और दिनेश सर को
अक्षरा दी की जगह कोई नहीं ले सकता इंडस्ट्री में, काजल रघवानी, अम्रपाली जी, अक्षरा दी जैसे सब लोग अपना अपना जगह खुद कायम किए हैं, खुद अपना अपना मुकाम बनाए हैं अपने अपने मेहनत से, वैसे अक्षरा दी भी हैं कि अपनी मेहनत से अपने पैर पे खुद खड़ी हैं। सो उनका जगह भी कोई नहीं ले सकता। और दिनेश जी भी हमारे बहुत फेवरेट, मैं फर्स्ट मूवी कर रही हूँ, सो बहुत मज़ा आ रहा काम करके, उनके एक्टिंग, उनकी डांस तो उस समय भी गाना चल रहा है, अभी हम वहीं पे थे गाना देखे, तो उनकी डांस के स्टेप जो होते हैं वो कोई नहीं कर सकता, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो जैसे उनकी एक्टिंग के आप लोग दीवाने हैं, उनके डांस के दीवाने हैं, उन्हीं दीवानगियों में से मैं भी एक जोया खान हूँ। सो बहुत अच्छे हैं दिनेश जी। बहुत अच्छा रहा क्योंकि इतनी खुली नहीं थी, इतनी फ्रेंकली नहीं थी मैं, लेकिन दिनेश सर से मिलके, अक्षरा दी से मिलके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ मुझे लाइफ में, बहुत कुछ करने का एक जुनून सवार हुआ, एक मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस रहा सब लोग के साथ काम करके। मनोज टाइगर जी थे इसमें, और हमारी माँ की भूमिका में नीलम पांडे जी थी, और हमारी चाची की भूमिका में ईशा पारिक जी थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके, बहुत मज़ा आया। वो तो सस्पेंस है, बट फिर भी बताऊंगी मैं, भाई बहन की जो मैंने बताई थी मैंने बोला था मैं नहीं बताऊंगी, भाई बहन के जो झगड़े होते हैं, जो हर एक चीज़ों के लेके लड़ना होता है, एक दूसरे से झगड़ना होता है, नोटी नोटी बातें घर में, मतलब सबके सामने कि ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत मजा आई सेट पे, जब हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे तो उन सारी चीज़ों पे ईयरफोन के लेके सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोला स्पेशली कि आप लोग कोई भी चीज़ किसी भी कॉन्सेप्ट को जानिए मत, जब वो रिलीज़ हो जाए तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल के जो हमारे राइटर हैं बहुत सोच समझ के बहुत प्यारी 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 कॉन्सेप्ट आ रही है। अभी लॉकडाउन के बाद मेरी 8वीं फिल्म है, और मैंने जितनी भी कॉन्सेप्ट किए, मतलब इतना मज़ा आया काम करके कि ऐसा लगता है कि उसमें अंदर ही चले जाता है, ऐसा लगता है कि बस यही ज़िंदगी है। सो फिल्म के बारे में तो अभी जो भी जानकारी मुझे मिली है, अभी सारी जो लखनऊ में शूट हुआ था वो एडिट हो गई है, 2-4 दिन का शूट बचा था जो अभी हम मुंबई में कर रहे हैं, ये एडिट हो जाएगी, उसके बाद से डबिंग पे लग जाएगी, फिर DI वगैरह होगा, आई थिंक मई लास्ट तक ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट था, कोविड अभी चल रहा मुंबई में खास करके, बहुत बुरा हाल हो चुका है इसमें हमारी, से सब लोग बचने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जो जहाँ है वहाँ सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हालात इतने मतलब बुरे हैं कि हम खुद को सुरक्षित नहीं बोल सकते। सो बस यही बोलूँगी कि आप लोग जहाँ रहिए जैसे रहिए, अपना खुद ख्याल रखिए, अपनी फैमिली में रहिए, अभी का टाइम ऐसा है कि हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, किसी पे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, और जितनी दूरियां बना सकते हैं जहां भी आप हो, जितनी दूरियां बना सकते हो उतनी दूरियां बनाओ आप, ऐसा नहीं है कि किसी को कोविड हो गया तो उसको निगलेक्ट करो, नहीं, आप मोबाइल के थ्रू या जो भी चीज़ है उससे आप पूछा करो कैसे हो आप कैसे नहीं, अभी तो हॉस्पिटल भी बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, वैक्सीन भी आ गई है, तो अच्छा भी है बुरा भी है, पता नहीं क्यों मुझे तो लगा था कि वैक्सीन आ गई है और 1 ईयर हो गया आई थिंक तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन मैं मुंबई में आई 2 दिन बाद मुझे खुद चक्कर आने लगा, जब हॉस्पिटल में गई तो सबसे पहले कोविड चेक किया, मेरा निगेटिव आया, उसके बाद से मेरी इलाज हुई, ये पोजीशन था। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना ख्याल रखिए, बस हम लोग सेट पे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे, हम लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे, नहीं, सीन के दौरान हम लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे, बाकी टाइम हम सैनिटाइज भी कर रहे हैं, जहाँ बैठ रहे उस जगह को सैनिटाइज कर रहे हैं, जहाँ पे मेकअप चल रहा है, मेकअप के सामान है वहाँ भी सारी चीज़ें सैनिटाइज हो रही है, तो यहाँ भी ख्याल रखा जा रहा है सारे आर्टिस्टों का, हम लोग भी अपना ख्याल रख रहे हैं। सो आप लोग से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना ख्याल रखिए।
यही कि ये फिल्म बहुत बड़ी मैसेज है एक पूरी ऑडियंस के लिए, बहुत फैमिली ड्रामा है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं ये नहीं बोलती कि इतना अच्छा इस इंडस्ट्री में फिल्म आई नहीं होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे डायरेक्टर हैं बहुत हिट हिट फिल्में, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दे चुके हैं। सो उन्हीं फिल्मों में से ये भी एक फिल्म बनेगी। जितना काम करके मज़ा आया है, जितना ऐसा लगता है कि हाँ प्राउड फील होता है इस कॉन्सेप्ट पे कि हाँ हमने कुछ किया है। सो आप लोग जब भी रिलीज़ हो इसको ज़रूर जाके देखिए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, हमें अच्छा लगेगा। अपना आप लोग प्यार हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिए इस प्यारी सी जया खान। धन्यवाद।